अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, आज मैं चटनी बनाने लगी हूँ खुमानी की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, इवन के पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहे हंसते रहे और हंसाते रहे। तो चलिए जी मिलके बनाते हैं खुमानी की चटनी। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो बाउल ले लिए और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। और अब यहाँ पे इसको मैं भिगो दूंगी। सबसे पहले इमली है, ये तकरीबन आधा पाव के करीब इमली है, ये इसमें चली जाएगी। और एक पाव खुमानी है सूखी हुई, ये इसमें चली जाएगी। इसको भिगो के हमें तकरीबन एक घंटे के लिए रखना है ताकि ये नरम हो जाए। तो इसको मैं एक साइड पर रखती हूँ, आपको एक घंटे के फिर बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, इमली और आलू बुखारे को भिगो के रखे हुए मुझे एक घंटा हो गया है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर रख ली है छन्नी, और इसके अंदर ये इमली पानी समेत डाल दूँगी। और इसका सारा जो पल्प है वो चम्मच की हेल्प से हम इसमें से निकाल लेंगे। अच्छी तरह इसकी गुटियाँ अलग कर लेनी है और इसका पल्प जो है वो अलग कर लेना है। इसको मैं इस तरह करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने ले ली एक कड़ाही और ये जो इमली का पल्प है सारा इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छी तरह मैंने इसको छान लिया था। और इसके साथ ये देखें खुमानी भी अच्छी तरह फूल गई है। हल्का सा इसको मैं ऐसे प्रेस करूँगी तो ये देखें टूटती जा रही है। ये भी पानी समेत इसके अंदर डाल दूँगी और इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक ग्लास के जितना पानी। उसी बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया था जिसके अंदर मैंने इमली का पल्प निकाला है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधा पाव के जितना ये गुड़ का एक पीस है, ये इसमें चला जाएगा। मुझे ये जो खुमानी की चटनी है वो गुड़ के साथ इसका टेस्ट मुझे चीनी की निस्बत बहुत मज़े का लगता है। ये सारी चीज़ें मैंने पकने के लिए रख दी हैं। इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आग पर रख दूँगी ताकि हमारी जो चटनी है वो गाढ़ी सी हो जाए और ये जो खुमानी है ये भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। इसको मैं करने लगी हूँ कवर, तो मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, खुमानी की चटनी को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए। अंदर से मैंने एक दफ़ा चेक किया था, सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल हमारी खुमानियाँ। और इसके साथ ही अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधा टीस्पून के जितना नमक और एक टीस्पून इसमें चली जाएगी कुटी हुई ये रेड मिर्च। और इसके साथ ही एक टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी चारों मगज। इसके साथ जो है वो टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा इस चटनी का। तो इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। और यहाँ पे मैं कर दूंगी चूल्हा बंद। इसको करती हूँ मैं डिश आउट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सी हमारी खुमानी की चटनी बनके तैयार हो गई है। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे रमज़ान में बना के इंजॉय करें, बल्कि पूरा साल आप इसको बना के इंजॉय करें। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।